रोज टीवी पर प्रसारित होने वाला सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीवी इंडस्ट्री के उन सीरियल्स में शामिल है जिसे दर्शकों ने इसके नए कॉन्सेप्ट और यूनिक कहानी के लिए काफी ज्यादा पसंद किया और इसी शो से खुद को सफलता के बुलंदियों तक पहुंचाने वाली अभिनेत्री हैं रुबीना दलाइक, जिन्होंने शो में सौम्या के किरदार को इतना बखूबी पर्दे पर उतारा कि आज ये टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि आज नाम और शोहरत पाने वाली रुबीना दलाइक कभी पैसों की वजह से एक अभिनेता के द्वारा ठुकराई जा चुकी है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। सिर्फ पैसों के लिए कभी एक अभिनेता ने इनका साथ छोड़ दिया था। अगर आप भी उस अभिनेता से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अपनी फेवरेट रुबीना दलाइक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। साल 2008 में जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो छोटी बहू से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री रुबीना दलाइक आज टीवी जगत की नामचीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सीरियल्स देकर खुद को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। पर आज अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर टीवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनने वाली रुबीना दलाइक आज भले ही करोड़ों रुपए की मालकिन बनकर एक आलीशान जिंदगी जी रही हो, पर इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा समय भी देखा है जब सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इनके प्यार ने इन्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। और बात करें उस अभिनेता की, तो वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश सचदेवा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम रुबीना दलाइक के कोस्टार अविनाश सचदेवा की ही बात कर रहे हैं, जिनकी मुलाकात छोटी बहू शो के दौरान हुई थी, जहां एक तरफ अविनाश पहले से ही एक जाने माने नाम थे जिन्होंने कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम करके खुद को एक घरेलू नाम बनाया था, तो वही दूसरी तरफ रुबीना दलाइक का ये पहला शो था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच शुरुआत के दिनों में तो काफी बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में ना सिर्फ बातचीत हुई बल्कि समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे, जिसके बाद करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जहां सभी कयास लगाने लगे कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे, तो वहीं रुबीना दलाइक के कानों में एक खबर आने लगी कि अविनाश सचदेवा इनकी को स्टार शालमली देसाई से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। साथ ही यूटीवी स्टार्स के शो के विनर बनकर चैनल का ऑफिशियल फेस भी बन गई थी। और इसी खबर को सुनकर जब रुबीना ने अविनाश से बात की तो उन्होंने उनसे ब्रेकअप करने की बात तक कह दी, जिसे सुनकर रुबीना के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके पीछे की वजह शालमली देसाई का उस समय का स्टारडम और अमीरी बताई जाती है। जिसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, इन दोनों में से आज कौन ज्यादा सफल है ये शायद ही बताने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अविनाश सचदेवा ने जो रुबीना दलाइक के साथ किया वो सही था या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।